हेलो दोस्तों दोस्तों आप स्क्रीन पर न्यूज़ देख सकते हैं। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। प्रस्तावित सभी संशोधनों को मिली मंजूरी, ये रीट से संबंधित है। पत्रिका जो न्यूज़पेपर है उसकी ये कटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट जो पीछे की जो 3 लाइन है, एनसीटी के निर्णय के बाद इस बार बीएड डिग्री धारी भी लेवल 1 की परीक्षा दे पाएंगे। तो मुझे पता है कि हमें बहुत कुछ इसका विरोध करना चाहिए। बहुत अभी कुछ मैसेज भी आए हैं, ठीक है, और कुछ भाइयों ने मेल भी किया है कि इसका विरोध करो। तो देखिए बिल्कुल मुझे पता है कि इस चीज का विरोध करना चाहिए हमें, और मुझे पूरा विश्वास है कि बीएसटीसी वाले अगर चाहे तो एक बहुत बड़ा आंदोलन राजस्थान में खड़ा कर सकते हैं। कहना आसान है और करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। लेकिन एक चीज दोस्तों आपको ध्यान देना होगा कि अभी जो आपका जोश है, आपका जो विरोध करने का जोश है, इसको थोड़ा सा अभी आपको संभाल के रखने की जरूरत है। संभाल के यूं रखने की जरूरत है कि ये जो पत्रिका न्यूज है, इसका एक आपको सच में और बता देता हूँ। अभी 2 दिन पहले एक खबर आई थी कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम हो रहे हैं, और बकायदा बीएसटीसी के बाद कोष्टक में लिखा हुआ था डीएलएड के। जोधपुर से थी वो खबर, इतनी स्पष्ट थी कि कोई कह ही नहीं सकता है कि ये गलती से छपी हो। बिल्कुल स्पष्ट न्यूज थी, बिल्कुल आप कह ही नहीं सकते हो कि ये गलती से, और गलती से कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वो खबर थी और उसमें ये कहा गया कि एग्जाम हो रहे हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, चालू भी हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। बाद में जब हमने पता किया तो ये पता चला कि जिस कॉलेज का वहां पर जिक्र हो रहा था, उस कॉलेज में बीएड वालों की परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी थी। तो अब बीएड और बीएसटीसी नाम में ही फर्क है, और बीएसटीसी के जो उपनाम कह सकते हो आप डीएलएड है, तो वो भी दे रखा है, तो इसका मतलब गलतफहमी तो हो ही नहीं सकती। तो अब उस खबर का हम क्या करें, क्या माने, क्या उसको सच माने, झूठ माने, तो आप ही बताइए क्या माने। वही अगर इस खबर की मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें इस खबर का तो विरोध कर, मतलब जो यहाँ पर जो बात कही है उस बात का हमें विरोध करना है, लेकिन कब करना है ये हमारे पास पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 4 जने आज विरोध कर रहे हैं, उनका जोश ठंडा हो गया तो 5 जने कल विरोध करेंगे, फिर वो 4 जने और विरोध करेंगे, फिर वो 15-20 जने और विरोध करेंगे। ऐसे नहीं चलेगा। विरोध करना तो सबको साथ में करना होगा, लेकिन कब करना है। देखिए फिलहाल आपके पास क्या प्रूफ है, कोई मुझे बताएगा। अगर आपके पास अगर प्रूफ है तो आप मुझे इस चैनल पर जो ईमेल आईडी दी गई है सबसे लास्ट में अबाउट सेक्शन में, तो वहां पर जाकर ईमेल पे आपके पास जो प्रूफ है कि इससे आप साबित कर सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो आप, कि इसके तहत कि भाई ये हमारे पास प्रूफ है, और ये इस प्रूफ से तय हो जाता है कि बीएसटीसी वालों को भी शामिल कर दिया गया है। तो आप सभी का जवाब यही रहेगा कि हाँ यार सही बात है, अभी तक तो किसी को शामिल नहीं किया है, बस बात कही गई है। बात कहने में और करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। शिक्षा मंत्री जी सोच के कह देंगे वो अलग बात है, लेकिन जब वो मीटिंग में बैठेंगे, जब उनको जानकारियां मिलेगी, जो विभाग के कर्मचारी है, जो अधिकारी है, ठीक है, उनके साथ जब उनका उनके आमने सामने जो बात रहेगी, उन सब निर्णयों के बाद क्या फाइनल होता है, इस चीज का हमें इंतजार होना चाहिए। जब ये फाइनल हो जाता, अभी देखो किसी न्यूज में कोई आर्टिकल छप गया और हम उसके लिए बखेड़ा खड़ा कर दें, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ वही अगर सरकारी आदेश अगर निकल जाए, सरकार अगर ये तय कर देती है, कोई आदेश पारित कर देती है कि अब से बीएड वाले भी इसमें शामिल हो सकते हैं, तो बकायदा सरकार को उसका पूरा जो क्या कहते हैं क्लियरेंस देना पड़ेगा, पूरा उसको प्रमाणित करना पड़ेगा कि क्यों कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्या पड़ी, ठीक है। तो हालांकि राजस्थान में ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बिहार की अलग बात थी, वैकेंसी 70-72 हजार शायद 90 हजार के आसपास की थी, उस समय पद खाली रह गए थे, इसलिए बीएड वालों को शामिल किया था। इसलिए एनसीटी ने ये कहा कि बीएड के अगर पर्याप्त सॉरी एसटीसी में अगर पर्याप्त सीटें नहीं भरी जा रही है तो बीएड वालों को शामिल कर लो, और एक 6 महीने का कोर्स अलग से करना पड़ेगा। अगर वो सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो 6 महीने का कोर्स अलग से करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, उम्मीद आप समझ गए होंगे। तो जैसे ही अगर कुछ ऑफिशियल इसके बारे में निर्णय होता है, तब हमें एक साथ विरोध करना है। अभी जो हमारा जो जोश है, जुनून है, उसको दबा के रखना है और उसको इकट्ठा करना है, ताकि हम अच्छे से मिलकर सभी विरोध कर पाए, और जो फैसला हो वो नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं होगा, फिर भी देखिए जब चिंगारी निकलती है तो लोग उसको आग जलाने की कोशिश, आप भी अगर कहीं पे भी देखते हो तो जो चिंगारी होती है उससे आग जलाते हैं लोग।
ये जो चिंगारी डोटासा जी के मुंह से निकली, अब हर मीडिया वाला, हर न्यूज वाला बस अभी यही खबर है। अच्छा, मैंने किसी को बताया, यार ये खबर है, तूने देखी क्या? अच्छा कौन सी खबर? अच्छा ये खबर किसमें थी? अच्छा पत्रिका में। अरे यार पत्रिका तो मेरे पास नहीं आता है। अच्छा पत्रिका स्टार्ट करना पड़ेगा यार, उसमें खबर अच्छी आती है। तो ये सब टीआरपी के, आप समझ सकते हो, आप इतने तो बुद्धिजीवी हो कि कौन क्या कब कैसे सब चीजें। ठीक है, बाकी इस वीडियो में मेरा इतना ही कहना था। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और नहीं आया होगा फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता, जो जानकारी और तथ्य थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब आप पसंद करते हो या ना पसंद करते हो वो आपकी मर्जी है। बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, मिलते हैं हम फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।